हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो यू विल नो द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इस वीडियो में जानेंगे कौन सा राइट प्रीपोजिशन हमें इंसर्ट करना है इन दिस ब्लैंक स्पेस ठीक है दे आर गिवन टू ऑप्शन यू हैव टू सेलेक्ट वन ठीक है तो लेट्स नो जैसे फर्स्ट है सी वाज नॉट प्लेज्ड दैट हर हस्बैंड वह अपने पति के साथ खुश नहीं थी या पति से खुश नहीं थी तो टू होगा या विद होगा तो के साथ के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं विद प्रीपोजिशन का यूज होता है ठीक है के साथ के लिए हमेशा विद प्रीपोजिशन का यूज होगा और पति के साथ खुश नहीं थी अब सेकंड पे आते हैं कम एंड सीट डैश में आओ और मेरे साथ बैठो अब यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आ रहा हो के साथ बैठो मेरे साथ बैठो तो साथ आ रहा तो यहाँ पर भी विद प्रीपोजिशन का ही यूज होगा ओके क्लियर ही डाइड डैश कॉलरा ठीक है वह कॉलरा से मर गया ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा फ्रॉम होगा या ऑफ होगा तो बता दे कि डाई ऑफ प्रयोग वहां होता है जब कोई डिजीज से मरता है ठीक है जब कोई डिजीज से मरता है ठीक है लेकिन यहाँ पे कॉलरा क्या है डिजीज है लेकिन अगर कोई दूसरा कारण हो मरने का तो डाई डाई फॉर्म का यूज करते हैं तो कॉलरा एक डिजीज है यहाँ डाई ऑफ का यूज होगा राइट राइटेशन डाई ऑफ नो बॉडी वॉश एक्वेंटेड डैश हर फ्रॉम होगा या विद होगा कोई भी उससे परिचित नहीं था ठीक है या उसके साथ तो कौन सा प्रिपोजिशन यूज होगा फ्रॉम या विद तो विद प्रिपोजिशन का यूज होगा साथ के लिए द वॉल फेल डैश द वेल इन होगा या इंटू होगा ये करिए जब कोई चीज कहीं पे स्थिर अवस्था में होती है तो वहां पे हम इन प्रिपोजिशन का यूज करते हैं विश्राम अवस्था में होती है किसी के अंदर वो हो विश्राम हो स्थिर हो तो वहां पे इन प्रिपोजिशन का यूज करेंगे जब कोई चीज किसी के अंदर ऊपर से नीचे गिरती हुई आ रही है मतलब मूवमेंट हो तो वहां पे हम हाँ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो मतलब गेंद कुएं में गिरी तो गेंद ऊपर से गिरती हुई कुएं में आई तो मूवमेंट हुआ तो यहाँ इंटो का यूज करेंगे ठीक है तो यहाँ पे जब कोई चीज कंपेरिजन की बात होती है तो यहां कौन सा यूज करते हैं ऑफ या टू गेस करिए तो यहां पे आई प्रीफर मिल्क डैश टी तो यहाँ पे जब कंपेरिजन की बात होती है तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे जब कोई चीज से या पर्सन से या वस्तु से कोई कंपेरिजन की बात हो रही हो पर्सन हो या थिंग्स हो तो हम किसका यूज करते हैं टू प्रीपोजिशन का ही वॉज चॉम डैश हर ब्यूटी एंड विथ वह उसकी सुंदरता और बुद्धि पर मोहित हो गया यहाँ पे क्या होगा विद या वाई किसी के द्वारा आकर्षित होने पर वहां पे हम चांद के साथ बाय प्रिपोजिशन का यूज करेंगे ठीक है फिक्स प्रिपोजिशन है होगा होगा। या हो जब हमें किसी चीज़ में से किसी को सेलेक्ट करना होता है मतलब बहुत सारी चीजें हैं तो उसमें से एक को सेलेक्ट करना हो तो वहां पे ऑफ प्रिपोजिशन का यूज करेंगे क्लियर डोंट गो आउट डैश द रेन बारिश में बाहर मत जाओ तो बारिश में में के लिए यहाँ पे हम इनका प्रयोग करेंगे शी हैड नो टेस्ट डैश म्यूजिक फॉर ये होगा या इन होगा जब हम कोई चीज डायरेक्शन की बात करते हैं ठीक है डायरेक्शन की बात करते हैं या टुवर्ड्स की बात करते हैं किस तरफ की बात करते हैं तो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे पोजीशन फॉर प्रिपरेशन का व्हाट इज टेस्ट द बॉक्स डिब्बे में क्या है इनटू होगा या इन होगा तो जब कोई चीज किसी जगह पे किसी चीज के अंदर स्थिर अवस्था में होती है तो वहां पे हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो डिब्बे में क्या है यहाँ पे स्थिर अवस्था में है तो वहां पे इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या यूज होगा बॉक्स के लिए तो यहाँ बता दें कि यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का यूज होगा क्योंकि स्थिर अवस्था में क्लियर अब हम आते हैं द हाउस वॉच डैश फायर ठीक है was, घर में आग लगी थी तो जब कोई चीज सरफेस पे ठीक है सरफेस पे डिस्ट्रॉय होती है तो वहाँ पे हम ऑन प्रीपोज़िशन का यूज करते हैं लेकिन जब हमें कोई चीज़ डायरेक्शन ऑफ टारगेट, ठीक है तो वहाँ पे हम एट फायर का यूज करेंगे ही केम डैश कोलकाता वह कल कोलकाता से आए तो यहाँ पे हम टू प्रिपोजेशन का यूज करेंगे ही इज डैश लैपटॉप और फिर क्लास ऐड होगा या ऑन होगा जब वह अपने कक्षाओं में अव्वल है Having among the highest grade in one's class, ठीक है तो अगर किसी मतलब वन क्लास में कोई हाइएस्ट ग्रेड पे होता है तो वहां पे हम एट प्रिपोजिशन का यूज करेंगे क्लियर ही वॉज डाउन डैश फीवर टू होगा या विद होगा वह बुखार से पीड़ित है तो यहाँ पे विद प्रिपोजिशन का यूज करेंगे क्लियर तो यहाँ पे वीडियो सेंटेंस एंड होता है आपको बता दें कि यहाँ पे मैंने लास्ट में सारे प्रीपोजिशन लिखे हैं मतलब आंसर की यहाँ पे है आपको कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और नए वीडियो के साथ फिर आते हैं नए प्रिपजेशन के साथ वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग